शासन के द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए जनपद में 25 नए इलेक्ट्रिक बसें दी जाएंगी, जिसके संबंध में नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि महानगर में यातायात की प्रमुख समस्या आए दिन यहां पर जाम लगते हैं, जिसमें आम जनमानस का समय नष्ट होता है। वहीं पर बहुत से लोगों के जरूरी काम भी छूट जाते हैं, जिसको देखते हुए शासन के द्वारा यातायात को सुगम बनाने के लिए यहाँ पर 25 इलेक्ट्रिक बसों की सुविधा प्रदान की गई है, जिसमें से 15 बस यहाँ पर आ चुकी है और नागरिकों को सुविधा मुहैया करवा रही है, जो कि डेली 1 लाख से 1.5 लाख रेवेन्यू दे रही है, जो कि यूपी में सबसे ज्यादा है। इसके साथ ही किराया भी बहुत कम है, जिसका दायरा भटहर सहजनवा तक बढ़ा दिया गया है, जिसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। डिमांड को देखते हुए मुख्यमंत्री ने 25 अन्य इलेक्ट्रिक बसें देने को कहा है, जिसका प्रस्ताव अपर मुख्य सचिव नगर विकास को भेज दिया गया है। उम्मीद है कि जल्द ही गोरखपुर को 10 पहले की बकाया व 25 अन्य बसें आ जाएंगी। इस तरह कुल 35 बसें आएंगी, जो कि शहर में आने वाले यात्रियों को सुविधा उपलब्ध करवाएंगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने कहा, जैसा कि आपके भी संज्ञान में होगा कि जो यातायात में जाम की समस्या है, गोरखपुर के आम जनमानस की सर्वप्रमुख समस्या है। आए दिन यहाँ पर बड़े बड़े जाम लगते हैं, जिससे जहाँ पर आम जनमानस का समय नष्ट होता है, वहीं पर बहुत से लोगों के जरूरी काम भी छूट जाते हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए शासन के द्वारा जो है यातायात को सुगम बनाने के लिए, सुलभ बनाने के लिए यहाँ पर 25 इलेक्ट्रिक बसों की सुविधा प्रदान की गई है। ये इलेक्ट्रिक बस जो हैं, इनमें से 15 बस जो यहाँ पर आ चुकी हैं और इस वक्त पूरे शहर में चल रही हैं, और बड़े खुशी की बात ये कि ये बसें जो हैं डेली 1 लाख से 1.5 लाख रुपए के बीच में रेवेन्यू दे रही हैं, और इनका रेवेन्यू देने का जो इनका औसत है पूरे यूपी में सबसे ज़्यादा है। इसके साथ साथ जो है ये बसें पूरी तरह से वातानुकूलित हैं, इनकी जो यात्रा का किराया है दूरी के हिसाब से वो भी अत्यंत न्यूनतम है, और इन सब चीज़ों को देखकर आप कभी भी देखोगे इन इलेक्ट्रिक बसों को पूरे समय इसमें पैसे यात्री जो हैं भरे रहते हैं, और एकदम बिना किसी आवाज़ के एसी वाली गाड़ी से सभी लोग यात्रा करना चाहते हैं। और अभी इसी बीच भदहट, सजनवा आदि क्षेत्रों में भी इसका हमने दायरा बढ़ाया है, लेकिन आम जनमानस और पब्लिक के द्वारा इसकी उपयोगिता को देखते हुए लगातार डिमांड किए जा रहे हैं। तो अभी हमारे पास 10 बसें जो और आनी है पहले चरण की, इसके अलावा 2 टूरिज्म बस आ चुकी है, जो कि एयरपोर्ट से लेकर रामगढ़ताल, मंदिर, चिड़ियाघर, अन्य प्रमुख जगहों पर जाकर पर्यटकों को वहाँ की सैर कराएगी। इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यहाँ पर जो डिमांड को देखते हुए आदेशित किया गया है कि तत्काल ही 25 अन्य जो इलेक्ट्रिक बसें हैं उनके संबंध में प्रस्ताव बनाकर प्रस्तुत किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने तत्काल ही जो इसका 25 बसों का आवंटन के लिए अपर मुख्य सचिव नगर विकास महोदय को पत्र लिखकर सूचित किया गया है, और उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही ये बसें यहाँ पर आ जाएंगी। इस प्रकार से यहाँ के अपने जो 52 बसों का जो यहाँ पर एक फ्लीट हो जाएगी, उसकी वजह से जो हमारा सिटी एरिया है प्लस उसके आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जहाँ से कि बहुत सी बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं और दिल्ली के लोग वहाँ पे जो हैं यहाँ पर शहर में आते हैं अपने काम के सिलसिले में, उनको बहुत बड़ी सुविधा इससे प्रदान हो जाएगी। इसलिए सभी लोग हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अतिशीघ्र ये बसें यहाँ पर शहर में आ जाएँ और शहर के निवासियों को अपनी सेवाएँ दे सकें।